अ साउथ एशियन कैनेडियन चैनल। आज सुबह से हम लोग देख रहे हैं कि पंजाब के हर चैनल के ऊपर ईडी की रेड्स दिखाई जा रही हैं, कि पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी जी के परिवार वालों के घरों पर जो रेड हो रही है, जिसकी पुष्टि कांग्रेस बिल्कुल भी नहीं करती है। लेकिन हाँ, हम ये जरूर मानते हैं कि जब जब चुनाव आता है, जिन जिन राज्यों में चुनाव आता है, भाजपा अपनी हार की बौखलाहट से अपनी विपक्षी पार्टियों पर इस तरह की ईडी हो, सीबीआई हो, आईटी रेड चुनावी हथियार बनाकर करती रही है। इससे पहले हम लोगों ने देखा पश्चिम बंगाल हो, तमिलनाडु हो, महाराष्ट्र हो, वहां पर बीच चुनाव में ईडी, सीबीआई, आईटी को चुनावी हथियार बनाकर इस्तेमाल किया गया। हमें पूरा भरोसा है बीच चुनाव में पंजाब में भी जो ईडी की रेड हो रही है वो भाजपा सरकार की हार की बौखलाहट है। पहले भी कांग्रेस की चन्नी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई, अपनी हार की बौखलाहट कहूं या पंजाब की कांग्रेस सरकार के 111 दिनों के कामों में लोगों के बीच में बढ़ती लोकप्रियता का ग्राफ को देखते हुए कहूं, यह भाजपा की बौखलाहट ही है कि वो बीच चुनाव में ईडी को एक बार फिर से चुनावी हथियार बनाकर इस्तेमाल कर रही है। हमें पूरा विश्वास है कि भाजपा को हम इनके इस षड्यंत्र में फेल करते आए हैं, फेल करते आएंगे। प्रधानमंत्री जी ने भी इससे पहले कोशिश की कि पंजाब के मुख्यमंत्री को बदनाम किया जाए और वो यहां तक कह के गए कि मैं पंजाब से जिंदा लौट के जा रहा हूं, पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी का धन्यवाद कर दीजिएगा। असम के मुख्यमंत्री ने तो यहां तक कह दिया कि पंजाब के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करके उन्हें जेल डालना चाहिए। ये बौखलाहट नहीं तो क्या है कि आज पूरी की पूरी भाजपा पंजाब की सरकार और उसके मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जी के पीछे पड़ चुकी है। लेकिन हमें मालूम है पंजाब की जनता पूरी तरीके से कांग्रेस के साथ खड़ी हुई है। हम इस चुनावी लड़ाई को जनता के बीच में लड़ेंगे, जीतेंगे और पूर्ण बहुमत के साथ वापसी करते हुए एक स्थिर सरकार देने जा रहे हैं। भाजपा के इन हथकंडों से कांग्रेस न डरने वाली और न पीछे हटने वाली। A South Asian Canadian Channel.